हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अगर मैं ये कहूँ कि आमिर खान सीक्रेट सुपरस्टार है चाइना के, तो ये बहुत ही सही पॉइंट होगा। मैं बात करूंगा इस वीडियो में आमिर खान के बारे में, आमिर खान की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में, पॉपुलैरिटी के बारे में, और एक जो ह्यूमन बीइंग है जिस तरह के वो, उसके बारे में। कल मुझे एक बंदे ने बोला कि भाई उसका नाम मुझे भूल गया, क्योंकि मैं तुरंत ही बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया मिडडे के आर्टिकल का, जहाँ पर आमिर खान को बुलाया गया था और आमिर खान से 10-15 सवाल किए गए फिल्मों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। और उसमें से एक सवाल पूछा गया आमिर खान से कि आपकी फिल्म ने, दंगल ने लगभग 1300 करोड़ के आसपास कमा लिया था चाइना में, तो आपको कितना उसमें फायदा मिला। तो आमिर खान ने बात बताया कि जो भी कट पिट का 12.5% आया, यानी कि 160 करोड़ के आसपास, 160 या 165 करोड़ के आसपास आमिर खान ने कमाई की थी दंगल से। तो ये तो पता चल गया होगा आपको, नहीं पता मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आमिर खान का स्टारडम ऐसे ही नहीं बढ़ा। आमिर खान ने उसने बताया कि जब उनकी सबसे जो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, वो थ्री इडियट्स के बाद बढ़ने लगी एक्चुअली में। तो डिमांड आई चाइना में कि यार उन्हें भी देखनी वहां के लोगों को थ्री इडियट्स। तो उसके दूसरे साल यानी कि इंडिया में आई थिंक 2009 में रिलीज हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, थ्री इडियट्स। तो उसके दूसरे ईयर ही रिलीज हुई चाइना में। तो कुछ यूं चला सिलसिला। उसके बाद आमिर खान की फिल्मों की और डिमांड बढ़ने लगी और चाइना में और इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि फिल्म एक्चुअली यूनिवर्सल सब्जेक्ट था, थ्री इडियट्स सभी को पता है। उसके बाद आई थिंक एक दो फिल्में और रिलीज हुई, जिसमें से पीके है आई थिंक, धूम थ्री भी है, और उसके बाद से तो दंगल आई, जब से तब से तो सब चीजें चेंज हो गई। और आमिर खान बहुत पहले से ही जानते थे कि ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या चाहिए ऑडियंस को। मेरे ख्याल से आमिर खान का पिछले 10 साल की हम फिल्मोग्राफी देखें तो एक से बढ़कर एक फिल्म उन्होंने दी है, और सभी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्में हैं। बड़ी बात ये नहीं कि फिल्में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है इंडिया में, बड़ी बात ये है कि उन फिल्मों ने इंटरनेशनली भी अच्छा कमाल किया है। पीके ने जब कलेक्शंस किया था कुछ 124 या 125 करोड़ तक कर लिया था, तो तब लोगों को ज्यादा उतना खनका नहीं कि चाइना कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन फिर भी 124-125 करोड़ बहुत होता है। और अभी तो भैया आलम यह है कि सीके सुपरस्टार से भी उम्मीदें हो चुकी है 1000 करोड़ करेगी। मुश्किल जरूर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, चाइना अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, सभी को पता है। और चाइना के लोगों को क्या चाहिए, उनको दो चीज चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमोशंस चाहिए उनको, और एक तो स्ट्रांग कंटेंट। ये दो चीज आपको दे दो, आप दे दोगे ना फिल्म में, तो वो आपको सर आंखों पर बिठा लेंगे, और आमिर खान ने ये चीज दी है उनको। तो मेरे हिसाब से आमिर खान इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ये कह सकता हूं। इतना शायद ही पिछले 10, 20 या 40 सालों में किसी ने इन्फ्लुएंस किया हुआ चाइना के पब्लिक को, जिस तरह से आमिर ने पिछले 4 से 5 सालों में किया है। तो आमिर खान जितना बड़ा नाम बन चुके हैं अब चाइना में, उस मुकाम तक बाकी एक्टर्स को पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। ये मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी रीड करके, पूरी चीजों को समझ के, और जो मैंने फॉलो किया ट्रेंड उस हिसाब से। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी जब रिलीज होगी इंडिया में, हो ना हो उसी वक्त चाइना में भी रिलीज हो, या तो फिर 1-1.5 महीने बाद जरूर रिलीज होगी। और मेरे को यहाँ पर याद आ रहा है, आप लोग को बता दूं कि आमिर खान ने सीके सुपरस्टार रिलीज होने के बारे में बहुत पहले ही बताया था, अक्टूबर नवंबर में, और जब इश्यूज चल रहे थे इंडिया चाइना के बीच में, कुछ क्लियरिटी नहीं थी। और उसके बाद अगर किसी की फिल्म सबसे पहले वहां पर रिलीज हुई तो कौन सी हुई, वजन की भाई जी देखिए रिलीज होने वाली थी दिसंबर 2017 में, लेकिन नहीं हुई। सबसे पहले रिलीज हुई सीके सुपरस्टार, क्योंकि वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहां के एग्जीबिटर्स सभी जान चुके हैं कि आमिर खान एक ऐसा हीरा है जो कोयले के खदान में है, और वो परख लिया है चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स ने, आग बंद करके उनकी फिल्म खरीदेंगे अब चाहे जो भी हो, क्योंकि ऑडियंस के दिल में वो राजा बन चुके हैं। और उन्हें पता है ऑडियंस को कि आमिर जो भी काम करता है बकवास नहीं करता है, वक्त लगाता है, हर एक तरह का काम करता है। और आमिर खान का जो दंगल वाला जो एक वीडियो था, जिसमें मोटे से पतले हो गए थे वो एक्सरसाइज वाला, तो वो भी बहुत पॉपुलर वाला चाइना में, और चाइना में आमिर खान का फैन क्लब भी है कई सारे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। चाइना के ट्विटर हैंडल, चाइना का खुद का ट्विटर है व्यूबो करके, वहां पे 11 लाख के ऊपर उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं पिछले 9 से 10 महीने में। तो आमिर खान एज एन इंटरनेशनल स्टार बेसिकली चाइना में तो राज कर चुके हैं, और चाइना इतना बड़ा मार्केट है आपको नहीं पता। यहाँ पे एक चीज चलिए आपके लिए खोल देता हूँ मैं, बता जानकारी, यूएस में जो फिल्में बनती है
वो आजकल क्या करते हो लोग, कुछ चाइनीज एक्टर को लेकर बनाते हैं। आप देखिए एक्शन फिल्में बड़ी से बड़ी देखिए, एवेंजर्स, एवेंजर्स का तो पता नहीं, मैं इसका बात कर रहा हूँ, जैसे फ्यूरियस का देख लीजिए, ऐसे कई सी जो बड़ी बड़ी फिल्म है उसमें चाइनीज एक्टर को लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि चाइनीज एक्टर को लेके उसमें उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि चाइना में उनकी फिल्म रिलीज हो जाए, और चाइना में फिल्म रिलीज होगी यानी कि बम्पर कलेक्शंस, है ना। चाइना का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट, आपको बता दूं, जैसे कि यूएसए का जो कलेक्शन की मैं बात करूं, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, तो उसने लास्ट मतलब लास्ट लास्ट ईयर 2016 में, तो उसने कुछ जैसे कि 70% कमाई की थी यूएसए से, या बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से 70% कमाई की थी, और 30% सिर्फ चाइना से की थी। तो ये दर्शाता है कितना बड़ा मार्केट है चाइना, और इसलिए हर हॉलीवुड फिल्म मेकर चाहता है कि उनकी उनका ड्रीम है कि उनकी फिल्में चाइना में रिलीज हो। तो ऐसे में इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात यह है कि अब जाकर चाइना अपना दिल ओपन कर रहा है इंडियन फिल्मों के लिए, क्योंकि बॉलीवुड वहां का लोग क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ। वहां के लोग सोचते हैं अभी ये तो बॉलीवुड फिल्म है, वही नाच गाना, वही धुना धुना, तो उनकी जो मेंटेलिटी है पूरी की पूरी चाइना की चेंज किया है आमिर खान ने। उन्होंने बोला कि नाच गाना तो हम डालेंगे, हमारा बॉलीवुड का रिवाज है वो, और आपको देखना पड़ेगा, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। तो ये आमिर खान की जिद थी जो उन्होंने मनवा ली है, और आमिर खान का जो सोच थी जिस हिसाब से फिल्में बनाने का वो बनाते हैं, और वो फिल्म पसंद की जा रही है। आमिर खान एक अकेला ऐसा बंदा जो धोबी घाट जैसी फिल्में बना सकता है। आप बोलोगे जो धोबी घाट की जैसी फिल्में बना क्यों बनाई, क्या क्या सोच के बनाई, वो फिल्मों का बजट ही 5 करोड़ था धोबी घाट का, और आमिर खान उन्हीं फिल्मों में हाथ डालते हैं जिन जिन फिल्मों में वो जिस फिल्मों को देख के उतना ही बजट डालते हैं जितना वो बजट रिकवर कर सकते। तो आमिर खान ओवर एंड ऑल जीनियस बंदा है, और वो फिल्म कभी भी रिलीज करने से पहले उसका जो फर्स्ट कट होता है, यानी फाइनल कट नहीं, फिल्म पूरा प्रॉपर पैकेज होने से थोड़ा सा पहले वो ऑडियंस, अलग अलग ऑडियंस को बुलाकर दिखाता है फिल्म, उनसे राय मशवरा लेता है, उसके बाद उसको लगता है कुछ चीजें चेंजेस करनी तो करता है। तो ये इस तरह का बंदा है, और ये आमिर खान 1989 से करता है, यानी कि वो परफेक्शनिस्ट आज से नहीं है, 25 सालों से ज्यादा वक्त से है, और इसीलिए ही वो फिलहाल इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में भी रूल कर रहा है, और कई और कंट्रीज में भी उनकी फिल्में अब रिलीज हो रही है धीरे धीरे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा मार्केट पेनिट्रेट करना जहां पर किसी और स्टार ने ना तो कभी सोचा था ना तो अभी तक कर पाया है। तो ये आमिर खान के बारे में मैंने जो जानकारी दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इंडियन फिल्में धड़ाधड़ रिलीज हो, सलमान शाहरुख सभी की, तो मजा आ जाएगा। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए, और टैगलाइन कैसी लगी, आमिर खान इज द सीक्रेट सुपरस्टार ऑफ चाइना नाउ। और वीडियो चलिए फिलहाल ये इतना ही, बाय।